हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नए एपिसोड में। आज हम इस एपिसोड में एक रियल फैक्ट के बारे में जानेंगे। आप पानी के बारिश तो होते हुए देखे ही होंगे, यहाँ तक कि आप बर्फ के भी बारिश होते हुए देखे होंगे, शायद आप मछली के बारिश होते हुए नहीं देखे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि कहाँ पर मछलियों की बारिश हुई और ये मछलियों की बारिश क्यों होती है, इसका साइंटिफिक कारण भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साल 2022 के शुरुआती महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के कुछ जगहों पर, जैसे टेक्सास हो गया, आर्कसास हो गया, में तूफानी बारिश के कारण आसमान से मछलियों की बारिश हुई। तो आखिर क्यों होती है मछलियों की बारिश, क्या इसका साइंटिफिक कारण है? तो चलिए समझते हैं कि इसका कारण क्या है जो कि बारिश में मछलियों की बारिश होती है। तो इस तरह की घटनाओं के पीछे का कारण है बवंडर और तेज तूफान है। जब बवंडर समुद्र या किसी बड़ी झील से गुजरता है तो वो अपने साथ मछलियां, मेढक, कछुए, केकड़े, यहाँ तक कि कई बार बड़े घड़ियाल को भी अपने साथ ले उड़ती है। और ये सब जीव बवंडर के साथ उड़ते रहते हैं और आसमान में टिके रहते हैं जब तक कि यह बवंडर चलती रहती है। और जब हवा की गति कम होती है और फिर ये सब जीव जमीन पर गिरने लगते हैं और इस तरह से मछलियों की बारिश होती है। तो अगर आप इस तरह के और भी रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।